हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू राम जी के स्टडी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास को। इसमें हम डिस्कस करेंगे हिमाचल के प्राचीन निवासियों को। हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की, वैदिक काल की, महाभारत, सिकंदर के आक्रमण और मौर्य और गुप्त काल की। और हम डिस्कस करेंगे कि इस समय में हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से निवासी थे। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें लिपि का विकास नहीं हुआ था। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है पुरातात्विक खोजों से। अभी तक जो जो खोजें हुई है उससे हमें इसके बारे में पता चलता है। तो इस काल को तीन कालों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की बात की जाए तो इस समय की जो इम्पोर्टेंट खोजें हुई है उसमें प्रमुख है जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, पहले हैं बी.बी. लाल, 1955 में इन्होंने 1955 में गुलेर, देहरा, ढलियारा और कांगड़ा में खोजी की, जिसमें उन्हें आदिशोन प्रकार के 72 उपकरण मिले थे। तो इसमें प्रमुख थे चापर, हस्तकुठार, वेदनी। दूसरे थे जी.सी. महापात्रा। इन्होंने खोज की सिरसा नदी और कांगड़ा में। इन्हें उत्तर पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं, उत्तर पाषाण काल। झारखंड और सिरसा नदी के किनारे पाए गए औजार 40,000 वर्ष पुराने हैं। तो इसमें जो प्रागैतिहासिक काल में हिमाचल के सबसे प्राचीन निवासी कोल जाति के लोग थे। इनका जो वर्तमान स्वरूप है वो है कोली, हाली, डोम और चनार, और ये कोलेरियन जो भाषा बोली बोलते थे, ये हिमाचल के प्राचीन निवासी हैं। अब बात करते हैं वैदिक काल की और उत्तर वैदिक काल की। वैदिक काल में जो लोग मैदानों से आकर पहाड़ों में आकर बसने लगे, हिमाचल में बसने वाली दूसरी प्रजाति थी मंगोलॉयड। इन्हें भोट और किरात के नाम से जाना जाता है। शिष्णदेव का है ऋषि वशिष्ठ ने महाभारत में इन्हें हिमाचल के निवासी कहा गया है। और हिमाचल में आने वाली तीसरी जो प्रजाति थी वो खस थे। ये आर्य की पहली शाखा थी। आर्य हिमाचल में दो शाखाओं में आए। जो पहली शाखा थी वो खस कहलाए। इनके जो प्रमुख होते थे उन्हें मुआना कहा जाता था। और धीरे धीरे जैसे समय बीतता रहा इन्होंने अपने आप को जनपदों में बदल दिया। आगे हम डिस्कस करेंगे चार जनपदों को। जो ये खस थे इनमें इन्होंने नाग जाति को हराने की खुशी में ये भूंडा उत्सव मनाते थे। जो निर्मंड का भूंडा है वो फेमस है। वो बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद में हिमाचल के निवासियों को कहा गया है दस्यु, निषाद और दशाज। इसमें उल्लेख मिलता है दस्यु राजा शांबर का। इसने यमुना और ब्यास नदी के बीच 99 किलो का निर्माण करवाया था। और इसमें उल्लेख मिलता है शांबर और आर्य राजा दिवोदास के बीच युद्ध का। ये युद्ध 40 वर्षों तक चला। इन्होंने अलग अलग स्थानों पर लड़ाई लड़ी और अंत में दिवोदास ने शांबर को उद्ब्रज नामक स्थान पर मार डाला। इसमें जो इनकी सहायता की थी, जो इनके प्रमुख थे, इसमें दिवोदास के सलाहकार थे ऋषि भारद्वाज और शांबर के सेनापति थे वर्ची। वर्ची और शांबर दोनों की मृत्यु उद्ब्रज नामक स्थान पर होती है। जो दूसरा आर्य राजा है जिसका उल्लेख हमें मिलता है वो है सहस्त्र अर्जुन। तो इसका वध पर जमदाग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम ने किया था। इसके पीछे ये स्टोरी है कि जो जमदाग्नि ऋषि है इनके पास कामधेनु गाय थी। सहस्त्र अर्जुन ने इस गाय को इनसे
चुराया और इनका वध कर दिया जमदग्नि ऋषि का, जिस पर परशुराम को गुस्सा आ गया और इन्होंने इनके वध कर डाला। महाभारत काल की बात करते हैं। महाभारत काल में जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें राजा त्रिगर्त के राजा सुशर्मचंद्र ने कौरवों की सहायता की थी और कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था, और इसमें उल्लेख मिलता है कश्मीर उधमपुर और त्रिगर्त राज्य युधिष्ठिर को कर देते थे। और हमें उल्लेख मिलता है जो कुल्लू की देवी हिडिम्बा है उनका विवाह भीम से होता है, पांडु पुत्र भीम से, और इसमें चार जनपदों का उल्लेख भी मिलता है महाभारत में। जो पहला जनपद था वो उधमपुर था, जो ये उधमपुर के लोग हैं ये अपने आप को विश्वामित्र का वंशज मानते थे और ये कौशिक गोत्र से संबंधित थे। जो उधमपुरों का वर्ग एरिया है उसमें जो क्षेत्र था उसमें कांगड़ा पठानकोट ज्वालामुखी गुरदासपुर और होशियारपुर के क्षेत्र आते थे। ये लोग शिव की पूजा करते थे। वाल्मीकि गणपट में इनका उल्लेख मिलता है। जो उधमपुर वृक्ष है उसकी बहुलता के कारण इसका जो नाम है उधमपुर जनपद पड़ा। त्रिगर्त की स्थापना की थी भूमिचंद्र ने, राजा सुशर्म इन्होंने महाभारत में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। त्रिगर्त का मतलब होता है तीन नदियों के बीच की भूमि। ये तीन नदियां हैं रावी सतलुज और ब्यास। जो सुशर्मचंद राजा थे इसने कांगड़ा किले का निर्माण किया और नगरकोट को अपनी राजधानी बनाया। कुलूत जनपद की स्थापना विहंगमणि पाल ने की थी और ये प्रयाग ये इलाहाबाद से आए थे। इसकी राजधानी नगर थी। कुल्लू व्यास नदी के ऊपर ऊपर का इलाका था। कुल्लू घाटी में राजा व्यास के नाम से एक पुराना सिक्का मिला है और ये 100 ईस्वी पहली ईस्वी के आसपास का है। इसमें जो लिपि लिखी गई है वो प्राकृत और खरोष्टी है। चौथा जनपद जिसका उल्लेख मिलता है वो कुलिंद है। महाभारत में हमें उल्लेख मिलता है कि कुलिंद राज्य पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। जो कुलिंद रियासत है ये ब्यास और यमुना के नीच की बीच की भूमि है। वर्तमान में अगर इसके जो क्षेत्र की बात की जाए उसमें आते थे सिरमौर शिमला अम्बाला और सहारनपुर। इसका नाम यमुना नदी के नाम पर पड़ा है। इस चीज़ का पौराणिक नाम कालिंदी था और इसके आसपास के क्षेत्र को कुलिंद कहा जाता था। वर्तमान में जो कुनेत कुनैत और कुनैत के नाम से जाने जाते हैं वो इस जनपद से संबंधित है। सिकंदर ने 326 ईस्वी के आसपास भारत पर आक्रमण किया और ये आक्रमण करते करते ब्यास नदी के तट तक पहुंच गया था, जहां से आगे बढ़ने पर इसके जो सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया। इसका सेनापति कोइनोस था। इसने ब्यास नदी के तट पर 12 स्तूपों का निर्माण कराया था मंडी में। जो मलाणा गांव के निवासी है कुल्लू में वो अपने आप को सिकंदर का वंशज मानते हैं। मौर्य काल की बात की जाए जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था उसके बाद मौर्य काल जो मौर्य वंश की है उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना में किरातों और खशों को शामिल किया था। किरात और खश तो इन दो जातियों को अपनी सेना में भर्ती किया था। जो कुलिंद राज्य था उसे मौर्य काल में शिर मौर्य कहा जाता था, क्योंकि ये राज्य जो मौर्य राज्य उसके शीर्ष में स्थित था और बाद में इसका नाम सिरमौर पड़ा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मज्जिम और 4 बौद्ध भिक्षुओं को हिमालयों में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। 242 ईस्वी में बौद्ध धर्म का हिमाचल में प्रवेश हुआ था। मौर्योत्तर काल की बात की जाए
मौर्य काल के पतन के बाद शुंग वंश की स्थापना होती है। इस समय जो हिमाचल प्रदेश के जो छोटे छोटे राज्य थे वो स्वतंत्र हो जाते हैं। इसके बाद कुषाणों के राज्य की जब स्थापना होती है कुषाण वंश की, तो उसमें प्रमुख राजा था कनिषक। उसके शासनकाल के समय जो पहाड़ी राज्य थे उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया इसके सामने और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। गुप्त काल की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसका सबसे प्रतापी राजा था। इसके समय जो पहाड़ी राज्य थे ये गुप्त काल के अधीन आते थे। कुल्लू के जो शिलारू अभिलेख है उससे हमें गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। हूणों की बात की जाए तो इसमें प्रमुख राजा थे तोरमान और उसका पुत्र मीरकुल। जो हिमाचल के गुज्जर और गद्दी है वो अपने आप को हूणों के वंशज मानते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे वीडियो जब ये अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।